Now, Srimati Rajani Patil, only 3 minutes. Only 3 minutes. Sir, पूरे सदन में सिर्फ एक ही महिला किसानों की तरफ से बोल रही है, तो आप 2 मिनट बढ़ा के? नहीं, सबके लिए मैंने अनाउंस किया 3 मिनट्स. सर, देश के विभिन्न भागों में अल्पवृष्टि सूखे की विद्यमान परिस्थिति और किसानों की दुर्दशा पर नियम 176 के अधीन चर्चा करने के कारण मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ. साधारणतः 7 जून से 7 जुलाई तक एक बारिश काल रहता है और खेतों में बुआई का काम 100% पूरा होता है, लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई कि 27 से 30% से बुआई हो गई है, बाकी से बुआई बाकी है और बादल मंडरा रहे हैं अकाल के. देश के कई हिस्सों में और खासतौर पर महाराष्ट्र में भी अकाल की सदृश परिस्थिति पैदा हो गई है. सर, महाराष्ट्र में तो गए 2-3 साल से कभी अकाल पड़ा है, कभी अतिवृष्टि हुई है या कभी ओले का सामना पड़ रहा है, जिसमें जिसके मारे किसानों की परिस्थिति बहुत ही गंभीर हो रही है और अनाज और पानी दोनों की समस्या इस देश में पहले हुआ करती थी. जब 1972 में अकाल, बहुत बड़ा अकाल हुआ था, तो अनाज की समस्या हुई थी और हमें याद है, हम छोटे थे तो मिलों की रोटी हमें खाने के लिए मिलती थी और बाहर से अमेरिका से मिलों आया करता था और मिलों की रोटी खाते थे. लेकिन किसान के प्रयत्नों से और कांग्रेस सरकार की गत कई वर्षों की कृषि नीतियों से दो काम को चिंता करने की कोई बात नहीं. एक तो अनाज की चिंता करने की बात नहीं है और दूसरा नरेगा, जो महात्मा गांधी नरेगा यूपीए 2 और यूपीए 1 ने शुरू कर दिया है, उसमें गरीबों के किसानों के हाथ को काम मिलने की कोई दिक्कत नहीं आती है. लेकिन फिर भी दो प्रश्न यहाँ पे हमारे यहाँ उपस्थित होते, एक चारे का प्रश्न और एक पीने के पानी का प्रश्न. सर, पानी के स्रोत जहाँ जहाँ भी मिल रहे हैं वहाँ पे फोडर सीड देके फोडर की बैंक करने की व्यवस्था की जाए. मैं कृषि मंत्री जी को आग्रह करूँगी कि फोडर बैंक इसलिए बनाई जाए कि आगे आगे आने वाले काल में फोडर की कमियाँ होगी और तब जहाँ पे पानी के स्रोत है तहाँ वहाँ पे हमने फोडर सीड देके अगर फोडर बढ़ाया तो मुझे लगता है कि जानवरों के पानी खाने के लिए फोडर बैंक होती है तो फोडर कम नहीं पड़ेगा और पशुधन भी हमारा बच जाएगा. और दूसरी बात, नरेगा का जब जिक्र हुआ है, सर नरेगा के तहत जब जो मनुष्य बल है, जो हम लोगों को काम देते हैं लोगों के हाथ को, वो नरेगा के तहत क्षेत्र जो किसान होते हैं, किसानों के प्राइवेट एरिया में, प्राइवेट क्षेत्र में अपने खेतों में अगर किसी भी खेत में अगर वाटर सप्लाई का या वाटर प्रिजर्वेशन का कोई स्कीम किया तो उसके लिए गवर्नमेंट ने आगे आना चाहिए, जिसमें खुद किसान भी अपना हिस्सा बटा सकता है. किसान उसके लिए आगे नहीं देखेगा लेकिन उसको मदद करने की आवश्यकता है. उसमें अगर आप नियम डालेंगे कि वो सिर्फ दलित होना चाहिए, किसान किसान होता है, उसमें आप अभी इस परिस्थिति में कोई भी फर्क न करते, किसानों को मदद करने के लिए आगे आने की आवश्यकता है. सर, बारिश पे प्रलंबित हमारे जो क्षेत्र है उसके लिए कायम स्वरूप हमें उपाय योजना करना जरूरी है, जिसके लिए सीमेंट बंधारा ये आवश्यक है, खेत में तालाब करना आवश्यक है. और दूसरा, मैं दरखास्त करूंगी कृषि मंत्री से कि सूक्ष्म सिंचन की ज़्यादा जरूरत है, जिसको हम ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं. सर, महाराष्ट्र के बारे में बोला जाए तो 250 करोड़ केंद्र सरकार से महाराष्ट्र को मिले दिए जाते हैं ड्रिप इरिगेशन के लिए, लेकिन हमारी मांग जो है वो 1000 करोड़ की है और उसके लिए कृषि मंत्रालय ने आगे हाथ बढ़ाना चाहिए. सर, प्याज की भाषा जो 2-3 दिन से महंगाई पर भी प्याज के लिए बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहती हूँ सदन को आपके माध्यम से कि 40 लाख हेक्टेयर में हमारे स्टेट में 20 लाख हेक्टेयर में अतिवृष्टि का खतरा हुआ और 20 लाख हेक्टेयर में ओले की वजह से हमारा नुकसान हो गया, जिसमें 5 लाख हेक्टेयर प्याज था. सर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में प्याज को सम्मिलित करके एक्सपोर्ट पे परिणाम हो जाएगा. सर, धन्यवाद. स्टोरेज के लिए सर, आपने जो बंधन रखा है, सरकार ने जो बंधन रखा है उसके लिए अपने खेतों में जो स्टोरेज करने वाले किसान है उनको भी दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो 300 USD से 500 USD करते हैं उसके लिए किसानों को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है. और सर, दुनिया में एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कृषि मंत्री से कि पूरी दुनिया में अगर फ्री ट्रेड की भाषा चल रही है तो फिर सिर्फ किसानों के लिए ट्रेडिंग के लिए आप पाबंदी क्यों लगाते हैं? ये भाषा हमें लगता है. थैंक यू इसके लिए. और सर, धन्यवाद. एक ही, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ सर,
भीड़ क्षेत्र से वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गन्ना तोड़ने का काम करने वाले लोग रहते हैं और पूरे महाराष्ट्र से वो कर्नाटका जाते हैं, गोवा जाते हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र जाते हैं और वहाँ पे गन्ना तोड़ने का काम करते हैं। उन लोगों के लिए कोई हमें स्पेशल स्किल डेवलपमेंट मिशन शुगर फैक्ट्री के लिए करना होगा, शुगर लेबरर्स के लिए करना होगा। सर इम्पोर्टेंट बात कह रही हूँ, पूरे सदन में एक ही महिला बोल रही है सर किसानों के ऊपर, एक ही महिला को सर की हमारी बहुत विच इज अ डिस्ट्रिक्ट विच इज फेसिंग ट्रिमेंडस ड्राउट, प्लीज अलाउ अस। सर एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। सो आई एम सर भीड़ से सबसे ज्यादा आई एम ऑब्लाइजिंग यू बिकॉज़ ऑफ शरद पवार, बिकॉज़ सर पवार साहब जो है वो पूरे हिंदुस्तान की परिस्थिति को अच्छे से जानते हैं, हर एक गांव के हमारे भीड़ डिस्ट्रिक्ट की स्थिति वो जानते हैं, इसलिए उनको मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये इसके लिए बोलना। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि एक स्किल डेवलपमेंट मिशन यहाँ पे होना चाहिए। सर शुगर फैक्ट्रीज में जो हाल ही में निर्णय लिया गया है कि 10% इथेनॉल करने की, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी तामील जल्दी होनी चाहिए। और सर को जनरेशन प्लांट जो है वो को जनरेशन प्लांट शुगर फैक्ट्री को बढ़ाकर उसको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाना चाहिए, जिसमें बिजली का संकट कम हो जाए। सर आज भी पाम तेल और बाकी सब तेलों के ऊपर हम अन्य देशों के ऊपर अवलंबित है, हमें एक्सपोर्ट उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है, हमें ऑयल सीड्स के बारे में हमारी कोई योजना बनानी पड़ेगी जिसके माध्यम से हमारे देश में ऑयल का उत्पन्न ज्यादा बढ़ सकता है। सर एक किसान के घर परिवार से होते हुए मैं सिर्फ लास्ट में एक ही बार कहना चाहती हूँ कि आज जैसे पवार साहब ने अभी बताया कि मीडियम प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के और माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट में मृत साठे से भी कम पानी उपलब्ध है और उसके लिए अभी पानी के टैंकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू कर दिए हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ एक 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 लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हमारे अकाल के लिए करना चाहिए और किसानों के लिए, किसान के परिवार की एक लड़की होने के कारण मैं बताऊंगी और कृषि मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगी, जैसे पवार साहब के कार्यकाल में, यूपीए सरकार के कार्यकाल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 73,000 करोड़ रुपीज की राहत हमें दी गई थी, उस तरह से एक अच्छी सी राहत इस किसानों को दी जाए, इतनी बड़ी दरखास्त मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।